नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि हाउ टू बिकम रिच बाय गिविंग डेट। किस प्रकार लोन देकर भी हम एक रिच बन सकते हैं, इस चीज़ को हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे हम कई शाहूकारों को देखते हैं कि वो लोन देकर ज़्यादा ब्याज प्राप्त करते हैं, किस प्रकार वो शाहूकार बने, इसके पीछे एक राज है जो हम आपके सामने आज पेश करते हैं। जैसे हम किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमें आसानी से लोन नहीं देता, बजाय इसके अगर शाहूकार के पास जाते हैं तो वो हमें बड़ी आसानी से लोन दे देता है, लेकिन उसका ब्याज बैंक से ज़्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो हमें मंथली ब्याज लेता है हमारे से। दूसरी तरफ अगर हम उसको समय पर ब्याज नहीं देंगे तो वह कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देगा, इस प्रकार वह दिनों दिन अमीर बनता जाता है। अगर हम 10,000 का लोन लेते हैं तो उसके ऊपर 1,000 तो हमारा ब्याज होता है, यानी हमने जो उसको रिटर्न करना है एक महीने के बाद 11,000 करना है। अगर हम समय पर उसको 1,000 पर ब्याज नहीं देंगे तो हमारा जो अगला ब्याज होगा वो 11,000 पर लगेगा बजाय के 10,000 के। इसके साथ ही अगर हम बैंक से लोन लेते हैं ये हो गया हमारा बैंक और ये हो गया हमारा शॉप्स। बैंक में क्या है, 2% फिक्स, 2% हमारे से फिक्स लेगा। अगर हम किसी दुकानदार से या किसी प्राइवेट फर्म से बजाय इसके अगर हम किसी प्राइवेट फर्म से लेते हैं, ब्याज उसका भी 2% होगा, लेकिन ये नॉट अ फिक्स। 1 मंथ के बाद अगर हम यहाँ पर अगर हम उनको ब्याज समय पर दे रहे हैं तो 2% फिक्स होगा कि 1 महीने बाद हमें 9% ब्याज लगेगा। अगर हम प्राइवेट फर्म के पास जाएंगे, अगर हम उनको ब्याज समय पर नहीं दे रहे तो वो 2% 1 मंथ के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें हमें नुकसान है। अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अमीर बनने के लिए हम लोन भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा 2% तो फिक्स होगा। अगर वो समय पर नहीं दे रहा, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, अगर वो समय पर ब्याज नहीं दे रहा तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त करेंगे हम। 2% फिक्स होगा 1 महीने का, उसके बाद उसको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस प्रकार कोई भी यह लोन स्टार्ट करके एक रिच आदमी बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों।